हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। रामायण के अनुसार रावण के पिता विश्रवा थे, जो ऋषि पुलुत्स के पुत्र थे। रावण की माता कैक्सी थी, जो राक्षस कुल की थी। इसलिए रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता की संतान था। और रावण कई विद्याएं, वेद पुराण, नीति, दर्शन शास्त्र, इंद्रजाल आदि में पारंगत होने के बावजूद भी उसकी प्रवृत्तियां राक्षसी थी। रावण से जुड़ी कई रोचक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे कि रावण के 10 सिर थे। टीवी सीरियल्स और धार्मिक फिल्मों में भी रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं। टीवी सीरियल्स के मुताबिक रावण को 10 सिर का वरदान प्राप्त था। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि वास्तव में रावण के 10 सिर थे ही नहीं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण के 10 सिर नहीं थे, उसके गले में 9 मणियों की एक माला थी। ये माला रावण के 10 सिर होने का भ्रम पैदा करती थी। रावण को मणियों की यह माता उसकी माँ ने दी थी। हालांकि बुजुर्गों के अनुसार रावण के 10 सिर 10 बुराइयों के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार, धोखा, ये सब रावण के 10 सरों के रूप में दर्शाए गए हैं। रावण महर्षि विश्वा और कैक्सी नामक राक्षसी, जो कि राक्षस के राजा महाराज सुमाली की बेटी थी, रावण को अपने पिता महर्षि विश्वा से वेद शास्त्रों का ज्ञान मिला था और अपनी माता कैक्सी से राक्षसी प्रवृत्ति मिली थी। रावण का एक दूसरा रूप भी है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। रावण ब्राह्मण कुल से था और उससे प्रकांड विद्वान सारे संसार में नहीं था। कहा जाता है कि रावण से शास्त्रार्थ करने का साहस उस समय के बड़े से बड़े पंडित में भी नहीं था। रावण बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। रावण की गर्जना सुन के बड़े से बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाते थे। रावण को संगीत का भी बहुत शौक था। रावण एक कुशल वीणा वादक भी था। रुद्र वीणा बजाने में रावण को हराना लगभग नामुमकिन था। रावण जब वीणा बजाता था तो क्या मनुष्य, क्या राक्षस, यहाँ तक कि देवलोक की अप्सराएं भी स्वयं को रोक नहीं पाती थी और रावण की वीणा की तान सुनकर मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगती थी। रावण जब भी परेशान होता था तो वह रुद्र वीणा जरूर बजाता था। एक बार रावण भगवान शिव की आराधना कर रहा था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने 10 बार अपना सिर काट के भगवान शिव को चढ़ा दिया। रावण के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने रावण को दशानन होने का वरदान दे दिया और साथ ही साथ ये भी वरदान दिया कि रावण के प्राण तब तक कोई नहीं ले पाएगा जब तक उसकी नाभि पर प्रहार नहीं करता। रावण के प्राण उसकी नाभि में थे और रामायण के युद्ध में प्रभु श्री राम ने कई बार रावण का सर काटा था। कई कोशिशों के बावजूद भी वो रावण को नहीं मार पाए। अंततः विभीषण के कहने पर प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि में बाण चलाया, तब जाकर रावण की मृत्यु हुई। बेशक रावण बहुत ही विद्वान और पराक्रमी था, लेकिन उसकी एक भूल की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और वो भूल थी माता सीता का हरण, जिसके कारण प्रभु श्री राम के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें और औरों को भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसे ही हम और रोचक जानकारियाँ आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।